ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। थाना सिटी जीरा विखे रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी जीरा राजविंदर सिंह ने दसिया कि इस मामले संबंधी एसएसपी फिरोजपुर भुपिंदर सिंह वालों एक टीम बनाई गई सी, जिस विच उन्हां तो इलावा एसपीडी मुख्तियार राय अते एसएचओ थाना सिटी जीरा मोहित तवन शामिल सन। उन्हां दसिया कि इस मामले विच कड़ी मुशक्कत तो बाद एसएचओ मोहित तवन नूं इस मामले संबंधी सुराग मिलिया अते जिस ते कारवाई करदे मोहित तवन वालों मामले विच दोषी दो व्यक्तियों नूं गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी पांच की तलाश जारी है। अरे वहाँ ब्लाइंड मर्डर हुआ था, वहाँ से ग्रंथी सिंह साहब से भेज दिया, तो उसके लिए जो एसएसपी साहब हैं सब भुपिंदर सिंह फिरोजपुर एसएसपी साहब, उन्होंने एक टीम बनाई थी जिसमें एसपीडी साहब हैं श्री मुख्तार राय हम थे और ये एसएचओ सिटी जीरा श्री मोहित धवन। तो काफ़ी मेहनत के बाद मोहित धवन को सुराग लगा, सुराग में लगने के बाद इन्होंने दो लोगों को गिरफ्तार किया। एक का नाम है चाहत इलिय जान, दूसरे का नाम है काजम इली सरिंदा। ये सारे जो कानपुर यूपी को बिलोंग करते हैं, ये मंडियों में जो ग्रैंड मार्केट है वहाँ एज ए टपरीवास रहते हैं। ये टारगेट करते हैं, दिन में रेकी करते हैं, जैसे बैलून बेचते हैं या कोई वो चना होता है नमक वाला, ऐसे में फेरी लगाते हैं। जो इजी हाउस होता है, इजी टारगेट होता है, उसको रात को स्ट्राइक करके वहाँ लूटपाट करते हैं। अगर कोई जाग जाता है तो उसका मर्डर कर देते हैं, जब चोटें लगा देते हैं। टोटल कितने? ये सात लोग हैं, दो लोग तो पकड़े गए हैं, पांच रह गए हैं। पांच के लिए हमने टीमें भेजी हुई हैं रेस्क्यू करने के लिए। जीरा तो पत्रकार सतीश विज की रिपोर्ट, एनसी7 न्यूज़।